टीकमगढ़ में पुलिस माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत अवैध शराब का धंधा करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से करीब 62 लीटर अवैध शराब जब्त की है। एसपी प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएल चौरसिया, एसडीओपी केपी सिंह और कोतवाली निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री की जा रही मिरिंडा मसाला देशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 26,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मणिकपुरा गांव से अवैध शराब का धंधा करने वाले आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं आप सभी को बता दें, सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ द्वारा लगातार टीकमगढ़ जिले में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें शराब, जुआ, सट्टा, रेत और अवैध काम करने वाले, साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनसे समाज में डर व्याप्त रहता है, अपराधी के रूप में लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।